जी गाइस, BGMI के स्मार्टनेस की दाद देनी पड़ेगी। ये जो गैलेक्टिक हेलमेट है, इन्होंने ऐड किया है प्राइस पूल में। मतलब ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही ज्यादा चेंज किया गया। और क्यों किया गया, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक स्पिन होता है, जहाँ पर आप यूसी लगा करके डेली बेसिस पे स्पिन कर सकते हो। एक होता है रिडीम सेक्शन, मतलब हर बार जो आउटफिट्स आते हैं वो रिडीम सेक्शन में चले जाते हैं, और जो यूसी ना ले पाते हैं, लाइक जो यूसी परचेस नहीं करते, वो फ्री के क्रिस्टल लगा करके एम्बलम बना करके, और बाद में जब उनके पास वो एम्बलम आ जाता है तो उनका मन पसंदीदा आउटफिट ले लेते हैं। यहाँ पर इनका कॉन्सेप्ट पूरा ही चेंज हो गया है। मतलब ये कि ये जो चार आउटफिट आपको नीचे नजर आ रहे हैं, जो ये इन्होंने एंड मोमेंट पे ऐड किया गया है इसका कॉन्सेप्ट चेंज करने के लिए, वो ये है कि इसको अगर आप चाहोगे तो प्राइस पूल के थ्रू यूसी स्पिन करके ये आपको मिल ही नहीं सकता है। मतलब अगर आपके पास एम्बलम नहीं है, फिर भी आपको मिथिक फॉर्ज को स्पिन करना है और साथ ही साथ उसको एम्बलम इकट्ठा करना है एंड देन परचेस करना है। तो इसके कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये है प्राइस पूल। मतलब जब यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो प्राइस पूल पर, तो आपके पास ये जो स्क्रीन पर आउटफिट नजर आ रहा है, इसमें से ही आपको स्पिन पे यहाँ पर 20 यूसी से डेली स्पिन कर सकते हो, और 200 से आप 10 टाइम्स कर सकते हो। अगर आपके पास वाउचर है तो डिस्काउंट लग जाएगा। ये जो आउटफिट आपको नजर आ रहा है, यही आपको मिलेगा अगर आप यहाँ से स्पिन करते हो तो। जो नया आउटफिट आया है ना, वो ऐड नहीं होगा। एक है प्राइस पूल, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे प्राइस पूल पर, तो एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ स्क्रीन पर देखो, आपको वो आउटफिट नजर नहीं आ रहा है जो अभी और ऐड हुआ है। वो जो दूसरे दो आउटफिट्स हैं, वो यहाँ पर नहीं है। इतना स्मार्टली प्ले किया गया है कि आपको हर तरीके से जो भी आउटफिट लेना है, उसके लिए यूसी लगानी ही पड़ेगी। और साथ ही साथ एक अलग सा कॉन्सेप्ट और ऐड कर दिया गया है। मान लो आपने बहुत टाइम से एक एम्बलम इकट्ठा करके रखा है, मिनी क्रिस्टल आपने लेकर के रखा है और उसका एम्बलम बनाया है, और आपके पास यूसी नहीं है, और आप ये सोचो कि यह आउटफिट इसमें से कुछ पसंद आया तो हम बाद में ले लेंगे, है ना। लेकिन ये लोग अब ये करने लगे कि आउटफिट्स को रिमूव करने लग गए। मतलब ये कि आप उसी टाइम उसको लो, अदरवाइज यूसी लगाओ ही लगाओ अगर आपको आउटफिट पसंद है तो। ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आपको पता है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया गया है ताकि आप इसके अंदर एक्स्ट्रा यूसी लगाओ। मतलब BGMI हर तरह से ये सोच रहा है कि आप इसके अंदर पैसा ही लगाओ। देखिए, ये बहुत बड़ी गलत बात हो गई है। अगर पबजी मोबाइल में आप जाकर देखो तो जो चीज़ प्राइस पूल में हर बार नई चीज़ ऐड होती है, जिससे आप स्पिन करके वो यूसी लगाते हो, वो बाद में रिडीम सेक्शन में चली जाती है ताकि आप बाद में उसको ले लो। वैसे यहाँ पर ये आउटफिट अभी रिमूव नहीं हुआ है, इनकी अपनी मर्जी। कुछ आउटफिट्स ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हो कि नेक्स्ट अपडेट में ये सारे आउटफिट्स रिमूव कर देंगे। कुछ रख सकते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं, बट वो कन्फर्मेशन अपने पास तो है नहीं जो हम बता दें। खैर, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप इसमें स्पिन करते हो ना, तो यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिले। मतलब आप अगर 10,000 यूसी लगाओगे तब जा करके आपको इसके अंदर वो आउटफिट मिथिक वाला मिल जाएगा, अदरवाइज आपको एम्बलम से ही लेना पड़ेगा। अभी फिलहाल इसके रिवॉर्ड्स देखिए क्या दिया है, और यहाँ पर टाइम लिमिटेड ही चीज़ें मिलेंगी लेजेंडरी वाली। वापस से आप लगा लो 170 यूसी, कुछ आपके पास वाउचर है, 50 यूसी का वाउचर है तो 150 में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए स्क्रैप कूपन, पैन की स्किन स्क्रैप कूपन, यहाँ पर ये दे दिया, सिकल दे दिया, उसके बाद कुछ क्लासिक क्रेट्स आपको मिल जाएंगे, दैट्स ऑल। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर ये सोच रहे हो कि आपको मिथिक आउटफिट मिल जाएगा, तो कम से कम आपको 10,000 यूसी लगानी ही पड़ेगी। और जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, यहाँ पर एम्बलम दिखाया गया है, जो आउटफिट है वो इसमें से ही मिलेंगे। वो जो चार आउटफिट और ऐड हुए हैं, वो डायरेक्टली रिडीम सेक्शन में, वो आपको एम्बलम से रिडीम करना पड़ेगा। और ऐसा कॉन्सेप्ट पबजी मोबाइल में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ BGMI में है। पैसे लूटने की ये ऐसी टेक्निक्स लगाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। खैर, अगर आपको फिर भी कोई आउटफिट पसंद है और आप लेना चाहते हो, तो आप वीकली कुछ स्पिन करके यहां से एम्बलम ले सकते हो। कुछ थोड़ी बहुत यूसी आप लगा लो, अदरवाइज आउटफिट पे मत जाया करो। अगर आपको कोई चीज पसंद है तो आप अपग्रेडेबल गन हो गई, ये थोड़ा काम होती है। आउटफिट अगर आप लेने जाओगे तो आप कुछ दिन के यूज करके उसके बाद फिर उससे मन भर ही जाता है। तो यहां से हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं, और एक जो एम्बलम मैं थोड़ा बहुत स्पिन अगर करती हूं, तो मैं बस यहां पर वीकली 25 यूसी का 25 स्पिन कर लेती हूं, ताकि एक एम्बलम गारंटी वाला मिल जाए, या फिर 40 स्पिन कर लेती हूँ जो एक एम्बलम यहाँ से गारंटी मिल जाता है। मतलब अगर आप 40 स्पिन करते हो तो आपको गारंटी एक एम्बलम यहाँ से मिल जाएगा, साथ ही साथ दूसरी जगह से, जो मैंने आपको बताया। ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज लगाते हैं पैसे कमाने के लिए ना, क्या ही कहा जाए। खैर,
खैर आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 6 days ago आ रहे हैं, मतलब ये कि आपका नया सीजन, जो नया टियर, नया रैंक पुश करोगे वो 6 दिन बाद स्टार्ट करोगे। और ये एक तरह से गुड न्यूज आप कह सकते हो, मतलब ये कि पबजी मोबाइल में सबसे पहले अपडेट आता है, उसके बाद, पहले हमारे साथ भी यही होता था, पहले अपडेट आता था उसके बाद रॉयल पास और सीजन एक साथ आता। अगर आप BGMI में देखेंगे तो सबसे पहले आएगा अपडेट, उसके बाद आएगा सीजन, जैसे 6 दिन बाद न्यू सीजन आएगा, और उसके बाद आएगा रॉयल पास 29 तारीख को। तो ये कुछ चीजें हैं जो अब जो है सारे वर्जन में ऑलमोस्ट सेम होने वाली, और ये एक अच्छी बात है। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ग्रोथ पैक ग्लिच के बारे में। अब आपको आगे सिंड्रेला ग्लिच सिर्फ ग्रोथ पैक में नहीं, ये पूरा BGMI का गेम ही ग्लिच से भरा है। बात तो सही है गाइज, लेकिन ग्रोथ पैक में तो कुछ अलग ही ग्लिच आते हैं। लास्ट टाइम मुझे सिर्फ एक ही ग्रोथ पैक मिला, दो मिला ही नहीं, जैसे मैंने उसको कलेक्ट कर लिया तो ग्रोथ पैक का ऑप्शन ही चला गया। ये मेरी दूसरी डिवाइसेस में है ग्रोथ पैक, जब भी मैं परचेस करूँ लाइव तो मैं आपको जरूर से बताऊंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो याद से देख लीजिएगा चैनल पर क्लिक करके, जब मैं परचेस करके दिखा दूंगी और इन लोगों की यूसी मुझे मिल जाएगी तभी आप परचेस करिएगा। अपडेट के बाद जैसे ही ग्रोथ पैक आता है उसके तुरंत अगर आप परचेस करोगे ना तो बहुत ग्लिचेस होते हैं। 2 दिन बाद वो 3 MB का अपडेट आता है, 4 MB का अपडेट आता है, तो उसके बाद ये लोग फिक्स कर देते हैं, तब आप परचेस करिएगा। बट आप वीडियो जरूर से देख लीजिए, बेल आइकन ऑल कर लिया करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको एक ऐसी क्लिप दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए कलेक्ट ऑल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ सस्ते नशे दिखाना चाह रही हूँ मैं BGMI के ग्रोथ पैक के, स्पेशली ग्रोथ पैक के, पूरा गेम ही ग्लिच से भरा हुआ है। लेकिन ये जो ग्रोथ पैक है ना, यहाँ पर अभी कलेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब थोड़े देर बाद मैं वापस मिथिक फॉरेस्ट में जाती हूँ, नाउ यू कैन सी यहाँ पर कलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। इसी वजह से कह रही हूँ पहले मेरी वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद ही परचेस करिएगा, अदरवाइज आपका हो जाएगा नुकसान। मैं आपको एक रिमाइंडर दिलाना चाहती हूँ, रॉयल पास पे अगर आप क्लिक करेंगे तो रॉयल पास यहाँ पर देख सकते हो 29 तारीख को सुबह 5:30 बजे RP लॉक हो जाएगी और 7:30 बजे नया रॉयल पास आ जाएगा। तो एज अ रिमाइंडर मैं आपको बता दूँ, प्लीज आप अपनी IDs ऑफ कर लीजिए। IDs ऑफ करना इसलिए मैं कह रही हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 90 UC का ऑफर। 90 UC लगा करके आप रॉयल पास को बहुत ही कम यूसी में परचेस कर सकते हो। यहाँ अगर स्क्रीन पर देखोगे तो मेरे पास 90 UC का वाउचर है, यही वाउचर लगा करके अगर आप रॉयल पास में जाते हो तो मैं आपको एक और एक चीज बता देती हूँ। ये देखिए आपके पास 2 वाउचर्स है, 50 UC का है, ये कन्वर्ट नहीं होगा, बट 90 UC अगर आप यूज ना भी करते हो ना तो भी वो 50 UC वाउचर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर बता दूं आपको, जैसे ही रॉयल पास में जाओगे 50 UC पर जाओगे तो जो रॉयल पास आपका 360 का था वो आपका 270 UC में मिल जाएगा। हैवी डिस्काउंट कह सकते हो गाइस, 90 UC। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये जो 90 UC का वाउचर है क्या ये रॉयल पास के अलावा बोनस पास में भी लगेगा, तो चलिए मैं वो भी आपको बता देती हूँ। इनका अब देखो भाई, ये पबजी मोबाइल और BGMI में दोनों में सेम है, जैसे अगर आप बोनस पास पे आओगे तो बोनस पास पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, 30% का डिस्काउंट सिर्फ मिलेगा, वो भी अगर आप प्राइम प्लस परचेस करते हो तो। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, और साथ ही साथ अगर आप 7 days ID ऑफ रखते हो एज यूजल आपको यहाँ से काफ़ी 300 तक के यूसी आपको मिल सकती है गाइस। नहीं, एक और एक चीज है जो आपको इसमें मिलने वाली है, 60 UC का वाउचर, मतलब जैसे ही आप यूसी परचेस करोगे 7 days ID ऑफ करके तो यहाँ पर जो वाउचर है वो 40 UC में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये कि 60 UC की इसमें 20 UC में आप कर सकते हो। ये भी बहुत जबरदस्त ट्रिक है भाई, 7 दिन ID ऑफ करो और BGMI को लूट लो। अब आ जाते हैं अपडेट के टाइमिंग और शेड्यूल को लेके। जो न्यू यूजर्स है अगर आपको नहीं पता है तो आप चेकआउट कर सकते हो एंड्रॉइड वाले को 18 तारीख को सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक सारे ही डिवाइसेस में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके डिवाइसेस में नहीं आया है तो परेशान ना होइएगा, रात तक सारे डिवाइसेस में आ जाएगा। आज भाई iOS वाले अमीर लोग, बड़े लोग, बड़ी बातें, भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि एंड्रॉइड पहले है, क्या फ़ायदा ऐसा फ़ोन लेके बताओ ज़रा, जो अपडेट के लिए आपको हमारे बाद अपडेट मिलेगा। ये तो सही है जी, फिर भी कोई मसला नहीं है, 8:30 बजे तक के आपको भी डिवाइसेस में अपडेट आ जाएगा। एंड ये अपडेट के लिए एक लाइक तो बनता ही है। अब आ जाते हैं रॉयल पास के विनर पर। जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो 8:05 हो रहा है, 3.9 के लाइक है। आप लोगों ने वो लाइक एम कम्प्लीट नहीं किया है, मतलब ये कि रॉयल पास पिछले वीडियो का आपको नहीं मिलेगा। अब जो मैंने आपसे कल वाली वीडियो में कहा था कि पिछली सारी वीडियोज़ में ये करने वाले हैं हम,
ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी कि मैंने किस वीडियो पर रॉयल पास का दिया है, किस वीडियो पर नहीं दिया। इसी वजह से मैंने ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज किया है। सिर्फ 4000 का लाइक एम आपको कंप्लीट करना है जब तक कि मेरी नेक्स्ट वीडियो ना आए। जैसे ही आप 4000 लाइक एम कंप्लीट कर दोगे, मैं विनर अनाउंस कर दूंगी। इस वीडियो में भी रॉयल पास का गिव अवे है। आपको अपनी इन गेम कैरेक्टर आई डी कॉमेंट सेक्शन में लिखनी है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है। सिर्फ 4000 लाइक है गाइस। जो लोग ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो भी लाइक कर दीजिए ताकि मैं रॉयल पास का गिव अवे विनर अनाउंस कर दूं कल की वीडियो में। यही था इस वीडियो में। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, एक हार्ट स्पैम करना बनता है ताकि मैं समझूंगी कि आप यहाँ तक वीडियो देखिए और बदले में आपको मिलेगा हार्ट। देखो, भूलना नहीं, रेड हार्ट सेंड करिए और बदले में लीजिए रेड हार्ट। और कल मैंने काफी सारे लोगों को रेड हार्ट दिया है तो भूलिएगा नहीं। चलिए, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। बहुत जल्द मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर।